इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। इससे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज़ की डायमीटर, जैसे पेन है इसका डायमीटर निकाल सकते हैं, या आपका कोई बॉडी है उसकी, कोई सॉलिड बॉडी है उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, जैसे बॉल हो गया, किसी चीज़ की डेप्थ निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक ग्लास है, इसकी हम लोग डेप्थ निकाल सकते हैं यहाँ से, इसके ये डाल के, ये ऐसे डाल के इसकी डेप्थ निकाल सकते हैं। ये कहाँ तक जाता है, ये आपका ये इस वाले पार्ट से, या फिर हम लोग इसका ये वाला डायमीटर भी निकाल सकते हैं, आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ से इसका ये इनर डायमीटर निकाल सकते हैं इस वाले इंस्ट्रूमेंट से। ये आपका वर्नियर कैलिपर का ये काम है। बहुत प्रैक्टिकली बहुत जगह यूज़ होता है ये। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ये इसका जॉज है, ये इसका मेन स्केल है, ये आपका ये वाला है जो पार्ट है मेन स्केल के साथ साथ, ये वाला पार्ट अभी मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, ये आ रहा है अभी फोकस होके, ये वाले पार्ट में अभी दिखाई देगा। इसमें एक छोटा सा आपको एक वो दिखाई देगा, ये लाइनिंग है विंडो, इसमें ठीक नहीं बन पा रही मैं, ये वाले लाइनिंग है, ये वाले लाइनिंग, ये इसको इस वाले लाइन पे हम लोग वर्नियर स्केल बोलते हैं, जैसे बॉडी है इसका डायमीटर निकालते हैं हम लोग, समझे। ये अभी बनाते हैं उसकी इमेज, अगर बनती है तो ये बनी देखिए इमेज। ये स्केल आपका, ये जो लाइनिंग दिख रही है ये आपका लीनियर स्केल है, ये वाला, ये अंदर में जो है ये मेन स्केल है। जब हम लोग इसको मिलाते हैं, इसके 10 डिवीजन, ये ऊपर वाली विंडो के इसके 9 डिवीजन के कुल आ रहे हैं। जब दोनों इसके जॉज मिल जाते हैं, तो अगर ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाए, एग्जैक्टली मैच कर जाए, तो इसमें एरर जीरो होती है। अब इसमें जीरो एरर है, समझ रहे हो। ये स्क्रू होता है, इसको टाइट करने के लिए होता है, इसको जो हम लोग मूवमेंट करते हैं, समझे। अब ये इसका हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वो ये है, देखना, ये एन क्या नंबर ऑफ डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये लिस्ट काउंट है थ्योरी में, एन इंटू बी सी है टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, ये इसका ये है। इसका जो लिस्ट काउंट आएगा, वो लिस्ट काउंट हम लोग ऐसे निकालते हैं, ये लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला हमारे, एन वी एस डी इक्वल टू एन माइनस वन एम एस डी और ये आपका वन वी एस डी इक्वल टू एन एन माइनस वन अपॉन एन, और सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं वर्नियर काउंट या लिस्ट काउंट इक्वल टू वन अपॉन एम एस डी। तो इसमें आपके जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट था, इसके जो ये 9 डिवीजन है, ये 10 डिवीजन के इक्वल, यानी कि 1/10, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ, 0.01 सेंटीमीटर। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका लिस्ट काउंट, ये लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, ये है लिस्ट काउंट, समझे। इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसके जॉज हैं, हम लोगों ने क्या किया, जैसे हमारे पास में ये पेंडुलम की बॉब है, इसको हम लोगों ने लिया, इसको हम लोगों ने यहाँ से इसके यहाँ पे फंसा दिया, अच्छे से कस दिया इसको। ये कसने के बाद इसकी जो रीडिंग है उसको हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। मेन स्केल रीडिंग हमारी, मैं इसको थोड़ा सा इधर रख देता हूँ, जो मेन स्केल की रीडिंग है हमारी वो ये है, इसको यहाँ से देखा हम लोगों ने,
ये हमारी मेन स्केल की रीडिंग है ये वाले। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले लाइन से मिलती है, इस वाली लाइन से वो आ रही है, ये 2.5 हो गया, 6, 7, 8 है। 8 हम लोगों ने मेन स्केल रीडिंग लिखा, और मेन स्केल की जो रीडिंग है हम लोगों ने उसको इस वाले एक मेन स्केल की रीडिंग्स यहाँ पे लिखा 2.8, ये हमारा 2.8, ये 2.8 आया हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन कितने मिले हम लोग उसको यहाँ से काउंट करेंगे, ये आपका टू पॉइंट एट, इसकी हाथ हम लोग काउंट करना चाहेंगे, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 2.8 है। यहाँ से हम लोगों ने काउंट किया, इसकी मेन स्केल रीडिंग लिखा हमने 2.8, इसको टेबल में भर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं ये वाली लाइन वर्नियर स्केल ये वाली और ये वाली लाइन आपस में एग्जैक्टली कौन सी मिलती है, ये भी नहीं मिली, ये भी नहीं मिली, देखिए वाली लाइन एग्जैक्टली मिलती है वाली। इसके बाद की हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरी लाइन मिली। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, 3 हो गया। तो यहाँ पर भरेंगे हम लोग अब ये भरा हम लोगों ने, नंबर ऑफ डिवीजन हो गया हमारा 3। अब इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.01। तो हमने क्या किया, इसमें इसको ऐड किया, नंबर ऑफ डिवीजन को इसमें ये आपका ऐड किया। तो जो इसका डायमीटर होगा वो डायमीटर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई हम लोगों ने इससे किया वन काउंट से, ठीक है।